हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जो यूडीसी और स्टोनो के स्टेज वन का एग्जाम हुआ था 14 जुलाई, उसका आज रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और साथ ही कट ऑफ भी डिक्लेयर हो गई है और स्कोर कार्ड भी सभी बच्चों का उन्होंने अपनी साइट पे डाल दिया। तो इसके रिजल्ट को देखने के लिए आप ईएसआईसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाइए और उसमें फिर रिक्रूटमेंट पे जाइए, तो वो आपका विंडो आपको दिख जाएगी। क्लिक करेंगे विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के भी नाम और रोल नंबर है, देन सभी का रिजल्ट है किसने किसे, और इसमें जिस जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं वो भी सब इंडिविजुअल भी है, टोटल भी, टोटल का दिया हुआ। और एट ए ग्लांस जैसे आप उसको देखो तो आपको लगेगा कि आउट ऑफ 200 था ये एग्जाम, था चार सब्जेक्ट थे 200 में से। तो ज्यादातर स्टेट्स अगर अपने जनरल कैटेगरी का देखें तो 155 टू 165 के बीच में, कुछ 150 के अराउंड भी, कुछ में जैसे कम का स्टेट वाइज है, लेकिन आप ज्यादा देखोगे तो और नीचा भी लाओ तो 150 से लेके 165 के बीच में अनरिजर्व का है, फिर उनमें कैटेगरीज में रिलैक्स, कैटेगरीज में रिलैक्स। एक जो आजकल जो ये नई कैटेगरी ईडब्ल्यूएसआई है, ईडब्ल्यूएस को काफी बड़ा एज है, मतलब आप देखेंगे करीब करीब सभी स्टेट्स में, कुछ में तो अब नॉर्मली फायदा है लेकिन सभी स्टेट्स में अच्छा खासा फायदा हुआ है। और ओबीसी से ये सभी में बेटर है, कुछ ऐसी है जिनमें ये एससी एसटी के साथ ही है, करीब करीब वही है, कुछ में ये एससी से थोड़ी सी ऊपर, बट ओबीसी से काफी नीचे रही है इसका कट ऑफ। एंड जैसे जैसे जो अर्बन है, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली का जो कट ऑफ है आपका ईडब्ल्यूएस का, उसमें काफी कम गया है। तो इसमें आई थिंक इसकी ईडब्ल्यूएस की जो सबसे बड़ी वजह रहेगी, जो क्राइटेरियाज है कि आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, तो अर्बन एरियाज में एंड रूरल एरियाज में दोनों में शायद ये फुलफिल करना काफी मुश्किल है, मतलब बहुत कम लोग इसमें ईडब्ल्यूएस, शुरू में लग रहा था कि इधर इकोनॉमिक व्हीकल्स व्हीकल सेक्शन है इसमें बहुत लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इसकी कट ऑफ देखेंगे स्टेट वाइज से, आप खुद रियलाइज करेंगे कि ये ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है ये मच मच स्ट्रोंगर देन ओबीसी, ऑलमोस्ट आप देखोगे एससी के आसपास चली गई इसकी कट ऑफ जो है। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो अपना ऑलरेडी ही पहले से भी उन्होंने आई थिंक जो कट ऑफ जिस हिसाब से गई है, तो जिन बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया कट ऑफ काफी ज्यादा है, और अगर इतनी कट ऑफ गई है तो ऑब्वियस है कि बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका पेपर भी काफी अच्छा हुआ था तो वो एक्सपेक्ट भी कर ही रहे होंगे, ऑब्वियस है कुछ जो सिलेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए वो भी कर रहे होंगे कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। और 18,000 शायद या 19,000 कुछ का टोटल जो रिजल्ट है, 19,693 करीब करीब इन्होंने 10 टाइम्स इसको डिक्लेयर किया है, जो शॉर्टलिस्ट किए हैं सेकेंड फेज के लिए वो 10 टाइम्स। सो अब जो भी आई थिंक 20 दिन के आसपास आपके पास बचे हैं तो उन में डबल मोटिवेशन से आप लग जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव ए नाइस।